आज सुबह तड़के 5:30 बजे लगभग रायपुर और छत्तीसगढ़ की 40 जगहों में जोरदार तरीके से ईडी के छापे पड़े हैं, जिसके बाद सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। इसमें कई आईएएस अधिकारी हैं, कोयला व्यापारी हैं, सीए हैं और कुछ नेता का भी नाम आ रहा है, इसमें उनके नाम आए हुए हैं। इसके बाद सरकार जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पर सुशील आनंद शुक्ला जो संचार प्रभारी है उन्होंने बताया है, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है उन्होंने पहले ही इस पर शक जाहिर किया था और आज भूपेश बघेल जो है मुलायम सिंह स्वर्गीय उनकी अंत्येष्टि के लिए गए हुए हैं और आज ही के दिन छापा भी पड़ा है। तो अभी तक भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। रमन सिंह की प्रतिक्रिया आ गई है कि छत्तीसगढ़ शर्मसार हो रहा है। ट्रिपल पी न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए और सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा देखिए। गाँव के अनुरूप फिर से ईडी के हमले हुए, यहाँ क्या लगता है राजनीतिक हमले हैं? निश्चित तौर पे हमें तो पहले से आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी सीधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाएगी तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनेक बार इस चीज़ की आशंका जाहिर किया था और ये छापे भी इसी चीज़ को इंगित करते हैं। यदि रूटीन वे में कानूनी सम्मत कार्रवाई की जाए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दबाव बनाने के लिए राजनीतिक विद्वेषवश जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का पूरे देश में दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह सर्वथा निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की कुचालों से डरने वाली नहीं है। हम इनका पूरा मुकाबला करेंगे और इनको जनता के बीच में बेनकाब करेंगे। निश्चित तौर पे हमें तो पहले से आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी सीधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाएगी तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनेक बार इस चीज़ की आशंका जाहिर किया था और ये छापे भी इसी चीज़ को इंगित करते हैं। यदि रूटीन वे में कानूनी सम्मत कार्रवाई की जाए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दबाव बनाने के लिए राजनीतिक विद्वेषवश जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का पूरे देश में दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह सर्वथा निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की कुचालों से डरने वाली नहीं है। हम इनका पूरा मुकाबला करेंगे और इनको जनता के बीच में बेनकाब करेंगे।